कक्षा छः हम डिविजिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं, तो आइए हम सिक्स का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। बच्चों कोई भी नंबर है, मान लीजिए हमने एक नंबर लिया है 2, 3, 4, 5। हमें देखना है कि यह सिक्स के टेबल में आता है या नहीं आता है। तो इसके लिए दो कंडीशंस हैं, यह 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। यदि कोई नंबर सिर्फ 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं है, तो भी वह 6 से डिविजिबल नहीं होगा। यदि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है लेकिन 2 से नहीं है, तो भी वह 6 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब यह है, यदि किसी नंबर को 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, तभी वह 6 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको एक कंडीशन रखते हैं ना, यदि तुम मेरे दोस्त राम और श्याम दोनों के दोस्त बनोगे, तभी मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा, नहीं तो नहीं। ऐसे यहाँ पर है, यदि राम और श्याम दोनों से यह नंबर डिविजिबल होगा, तो मोहन से होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ऐसे ही याद रहेगा। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले देखना है कि क्या ये 2 से डिविजिबल है। उसके लिए क्या था, 2 से डिविजिबल के लिए हमने क्या किया था, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर है। हमने इसका यूनिट प्लेस देखना है कि यह 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए ये है 6, ये 2 के टेबल पे आता है, इसका मतलब यह है 2 से डिविजिबल। ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 6 है, जो कि 2 के टेबल में आता है। इसी प्रकार से 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे। नंबर है 2, 3, 4, 5, 6। आपको याद होगा 3 के डिविजिबिलिटी के लिए हमने क्या किया था, सम ऑफ डिजिट्स निकाला था। सम ऑफ डिजिट्स का मतलब इन सभी का डिजिट सम, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ये बराबर है 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20। तो हमें देखना होता है 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, क्या ये 3 के टेबल में आएगा। 20 आता है 3 के टेबल में, नहीं आता। इसका मतलब यह पूरा नंबर भी 3 के टेबल में नहीं आएगा। अगर ये नंबर, ये सम जो है, ये 3 के टेबल में आता, तो ये नंबर भी 3 के टेबल में आता। ये सम 3 के टेबल में नहीं आया, तो ये नंबर भी 3 के टेबल में नहीं आएगा। अब हम बात कर रहे हैं 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट की। हमने कहा था यदि कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, तो 6 से डिविजिबल होगा। लेकिन हमने देखा कि यह नंबर जो दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, 6, यह 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। तो यह, दिस नंबर इज, मेरा पेन ही उदास हो गया है, नाराज हो गया है। दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। यदि यह दोनों के पहाड़े में आ जाता, 2 से भी डिविजिबल होता, 3 से भी डिविजिबल होता, फिर हम कहते दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट समझ आया होगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। 6 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में सिर्फ ये देखना कि वह नंबर 2 से और 3 से क्या दोनों से डिविजिबल है। यदि दोनों से डिविजिबल है, तो 6 से डिविजिबल होगा। यदि एक नंबर से है, एक से नहीं है, तो वह नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। आशा करता हूँ आपको 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको समझ आया, तो हम कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।